नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई में वीवी के बारे में। 2023 यानी आज से 2-3 महीने के बाद में शुरुआत होने वाली है। ऐसे 15 जॉब मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे ज़्यादा इंक्वायरी इन दुबई में और अफ्रीका में ये जॉब आपको मिल सकते हैं। सैलरी रहेगी लाखों रुपए में। अब आपको क्लियर पहले से कर दूं भाई कि जो तनख्वाह मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक एवरेज सैलरी है। जी हाँ, इसमें आपको ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि सर ये तनख्वाह ज़्यादा है, ये है, वो है। ये वही है जो वहाँ पे लोगों को मिलती है, एक एवरेज सैलरी। इसमें मैं मेरी तरफ से आपको कम बताने भी मुझे नहीं खुशी मिलेगी, ज़्यादा बता के मुझे आपसे कोई पासपोर्ट लेकर आपको विदेश भेजना नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ एक आपको जनरल नॉलेज के लिए जानकारी देने वाला हूं। ये 15 जॉब ऐसे हैं जो आने वाले 2023 में आपको मिल सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। जी हां, और ये भी एक सर्वे हुआ था, बता दूं, एक जॉब पोर्टल है बेयर के नाम से, उन्होंने एक सर्वे किया था। सर्वे के आधार पर बता रहा हूं कि 70% कंपनियां इन ये जो 15 जॉब हैं, आगे बताऊंगा, ये अगले 2023 में जनवरी से शुरुआत कर देंगे इन जॉबों में। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, तो इन जॉबों में आप जॉब ले सकते हैं, लाखों रुपए महीने की सैलरी में कमा सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, आपका कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जॉब की बात करें तो साथियों अकाउंटेंट। जी हाँ भाई, अकाउंटेंट आप बहुत प्रकार के होते हैं, अकाउंटेंट अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। इसमें सैलरी की बात करें तो कम से कम 5,000 दराम आपको सैलरी इसमें मिल सकती है, एवरेज सैलरी बता रहा हूं, ऊपर भी हो सकती है। अकाउंटेंट में लोग 15,000 दराम भी कमाते हैं, 5,000 भी, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप दुबई में काम करते हो, आपको कितना टाइम हो गया। ये सैलरी वो है जो दुबई में लोग काम कर रहे हैं, उनको ये तनख्वाह मिल जाती है। आगे अगर सेकंड पे बात करें जॉब के बारे में तो सेल्स मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर एक अच्छी पोस्ट होती है, सेल्स से रिलेटेड ये काम होता है। इंडिया में भी इसमें अच्छी पैकेज आपको मिल जाती है। अगर आप यूएई में काम करते हैं तो आप यकीन मानो 20,000 दुबई दराम से आपकी सैलरी लगभग आपको मिल सकती है। इससे कम भी हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप कितने टाइम से दुबई में काम कर रहे हैं। सेकंड जॉब की अगर बात करें तो सेल्स एग्जीक्यूटिव। जी भाई, सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी आप मान लो किसी कंपनी में, शोरूम में आप ये काम कर रहे हैं सेल्स का, और ये सामान सेल करने का काम होता है, तो वो आपका हुनर होता है। तो इसमें कम से कम सैलरी 3,000 आपको दुबई दराम मिल सकती है, यानी इंडियन 60,000 रुपये आप मान सकते हैं। बाकी अकाउंटेंट में लाख रुपये की मैं एवरेज मान के चल सकता हूँ। सेल्स मैनेजर में तो भाई आप सोच सकते हैं कि जॉब के पोस्ट के हिसाब से 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000 रुपये आराम से महीने के लोग कमाते हैं। आगे अगर बात करें 4 नंबर में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। जी हाँ भाई, ये एक प्रशासनिक सहायक के तौर पे होता है, असिस्टेंट का मतलब समझ गए ना, सहायक। इसमें सैलरी की बात करें तो लगभग 5,000 दराम से प्लस इसमें सैलरी मिल सकती है, यानी लाख रुपए से 1.5 लाख, 2 लाख तक भी आप जा सकते हैं, डिपेंड ऑन वर्क एक्सपीरियंस। जी हाँ, 5 नंबर पर बात कर लेते हैं साथियों डायरेक्टर। अब डायरेक्टर का मतलब ये होता है भैया, उसके डायरेक्टर में सब लोग काम करते हैं, डायरेक्शन में सब काम करते हैं, तो तनख्वाह तो आपको पता है फिर कितनी हो सकती है। आप यकीन मानो लगभग 35,000 दुबई दराम से प्लस तनख्वाह मिल सकती है, यानी 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक तनख्वाह इसमें मिल सकती है। जी हाँ, और ये सैलरी मैं बता रहा हूँ ना, ये जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि नहीं यार, इतनी तनख्वाह कहाँ मिलती है दुबई में, इतनी तो कनाडा में नहीं मिलती। जी हाँ, ये सच है, आप गूगल कर लीजिएगा ये वीडियो पूरा देखने के बाद। आगे अगर बात करें साथियों 6 नंबर पे तो कस्टमर सर्विस। जी हाँ, ये भी एक सर्विस होती है, कस्टमर को सर्विस रिप्रेजेंटेटिव करना, यानी आप उनके बारे में बताना। इसमें सैलरी की बात करें तो लगभग 4,000 AD यानी लगभग 80,000 लाख रुपए के करीब इसमें सैलरी आपको मिल सकती है। 5 नंबर पर बात करें तो साथियों प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, इनको अगर साधारण भाषा में बोले तो लगभग 15,000 दराम से लेकर 20-22,000 दराम तक आराम से इसमें तनख्वाह मिल सकती है, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक एवरेज तनख्वाह जो लोग यूएई में रहते हैं वो कमा रहे हैं। जी हाँ, अब 6 नंबर पे बात कर लेते हैं रिसेप्शनिस्ट। जी हाँ, रिसेप्शनिस्ट यानी आपका स्वागत, आप होटलों में जाते हैं आपको स्वागत करते हैं, ऑफिस में जाते हैं आपका स्वागत करते हैं, एवरेज वो आप मान सकते हैं। इसमें सैलरी आपको मिल सकती है 3,000 दराम। अब 3,000 दराम से 60-70,000 से लेकर लाख रुपए तक आप इसमें ऑन आपकी कंडीशन डिपेंड पे करता है कि आपको कितना टाइम हो गया वहां पे काम करते हुए। 7 नंबर पे बात कर लेते हैं मार्केटिंग मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर भी एक अच्छी पोस्ट है, आप सबको पता है, इसमें भी 15,000 दुबई दराम से प्लस आपको सैलरी मिल सकती है। जी हाँ, 9 नंबर पे बात करें साथियों सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। इनसे मैं थोड़ा डायरेक्टली वाकिफ हूँ क्योंकि मेरे पास इंडिया से भी कॉल आते हैं, मेरे पास दुबई में सर कितना जॉब कैसे है, तो इंडिया में तो भैया 10-15,000, 20,000 रुपये सिविल इंजीनियर को मिलते हैं। दुबई में भी यही स्थिति है कि एक नया बंदा अगर जाता है तो 2-2.5 हज़ार से शुरुआत करता है, लेकिन आप यकीन मानो जिस बंदों को 10-10 साल दुबई में काम करते हो गए वो 25,000 दुबई दराम, मेरा एक तो मेरा जानकार जिनको मैं जानता हूँ 25,000 दुबई दराम उनकी तनख्वाह है, जिन्होंने शुरुआत की थी 2200 दराम से, आज 10 साल बाद उनकी तनख्वाह 25,000 दराम पहुँच गई, यानी 5,00,000, 6,00,000 रुपये महीना का आराम से मिल जाता है। 10 नंबर पर बात करें साथियों मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर पूरे सिस्टम को मैनेज करने वाला, तनख्वाह की बात करें 30,000 दुबई दराम से आपको एडवांस ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, एवरेज ऑन एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो। जी मार्केटिंग एजुकेटिव की बात करें, जो मार्केटिंग एजुकेटिव होते हैं जो घूम के जो सामान वगैरह सेलिंग का काम करते हैं, इसमें 5-6 हज़ार दराम से आपको तनख्वाह मिल सकती है थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद में। आगे अगर बात करें साथियों बता दूं 12 नंबर पोस्ट में तो HR प्रोफेशनल। HR कौन होते हैं, जो हायरिंग मैनेजर बोल सकते हैं, अलग अलग इसमें भी भैया बहुत सारी पोस्ट होती हैं, सब में बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जो मैं 15 जॉब बता रहा हूं ना, एक एक जॉब में 5-5, 6-6, 10-10 जॉब अलग और अंदर छुपी हुई जॉब हैं। एवरेज सैलरी मैं बताऊं तो 5,000 से इसमें शुरुआत हो जाती है, 15-16 हज़ार दराम तक इसमें सैलरी और इससे ज्यादा भी मिलती है, ऑन एक्सपीरियंस डिपेंड पे, एक्सपीरियंस कितना है उस पे ये डिपेंड करता है। आगे बात करें साथियों लास्ट में मैकेनिकल इंजीनियर। जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो इसमें सैलरी 7,000 दराम से लेके बता दूं 20,000 दुबई दराम तक मिल सकती है। आप नए जाओगे तो आपको आधी से भी कम, बहुत कम मिलेगी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको अच्छी सैलरी मिलती रहेगी। आप दोबारा मैं दोहरा दूं कि ये सैलरी सिर्फ मैंने वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट की सैलरी है। आप इंडिया में देखो यार, एग्जांपल देता हूं मैं कि कोई भी किसी चीज में, जैसे टीचर भर्ती होते हैं, एग्जांपल टीचर की समझ लो, फौज की समझ लो, पुलिस की समझ लो। अभी एक बंदा अभी पुलिस में भर्ती हुआ है, उनको 2 साल
मात्र तनख्वाह पता है कितनी मिलेगी? मात्र 9,000 रुपये। आप सोचिए 9,000 एक सिपाही को मिलेगी, और जैसे ही 2 साल कंप्लीट होगी उसकी तनख्वाह पता है कितनी होगी? 35,000 रुपये, यानी डबल से भी ज्यादा हो गई ना। यानी वो उनका एक वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग चल रही है। तो सेम ये ट्रेनिंग है, तो ये डिपेंड आप ऑन करता है कि आपको कितना टाइम हो गया दुबई में काम करते हुए। तो ये सैलरी जो बताइए ना स्टार्टिंग में, इससे बहुत कम मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के आपको अच्छी खासी तनख्वाह इसमें मिल सकती है। अफ्रीका में और दुबई वे में 2023 में इन जॉबों में काफी डिमांड आने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।